साहब, आप के मसले है कि जो ख्वाब जो आते हैं रात में भयानक आते हैं, और पास में जो सोता है मैं उसको मारता भी हूं, तो ये क्या है, कुछ आप बता सकते हैं इस बारे में? देखिए, मैं आपसे माजरत खा हूँ। ख्वाब की ताबीर का इल्म मुझे नहीं है, ख्वाब की ताबीर का इल्म मुझे नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको और भी बताऊं कि बहुत सारे लोग आप अपने आसपास पाएंगे जो लोग ख्वाबों की ताबीर बताते हैं, उनमें बेशतर लोग झूठे होते हैं। ख्वाब की ताबीर खाल खाल ही किसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है, तो आप हर किसी से ख्वाब की ताबीर ना पूछें। बहुत सारे लोग आपको इसमें फरार किस्म के मिलेंगे, जो उल्टा पुल्टा आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे, आप उन पर एतमाद ना करें। दूसरी बात ये कि हर ख्वाब की ताबीर नहीं होती है, कि आप कोई भी ख्वाब देखें। सही मुस्लिम की एक रिवायत है गालिबन कि ख्वाब तीन तरह के होते हैं। एक ख्वाब तो वो होता है जो आदमी, मेरी आवाज आ रही है शेख हाशिम? जी एक जी आवाज आ रही है। ख्वाब वो होता है कि आदमी दिन भर जो सोचता है वही रात में ख्वाब में उसको आता है। तो उसके नफ्स के अंदर, उसके दिल के अंदर जो चीजें चल रही होती है वही रात में ख्वाब में देखता है, इसकी कोई हकीकत नहीं होती है। दूसरी किस्म वो है कि शैतान जो आपको दिखाता है, शैतान जो चीजें आपको दिखाता है, आप ना नमाज पढ़ रहे हैं ना दुआएं पढ़ करके सो रहे हैं, तो जाहिर है शैतान ही आएगा, तो आपको इस तरह की जो है गलत सलत चीजें दिखाएगा, डरावनी चीजें दिखाएगा, तो शैतान की तरफ से होता है, उसकी भी कोई ताबीर नहीं होती है, ख्वाबे परेशान है सब। तीसरी किस्म जो होती है वो हक होती है, अब वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है। और तीसरी किस्म वो है जो नबुवत के अज्जा में से एक जुज है, जो सच्चा ख्वाब होता है उसकी ताबीर होती है। तो बेशतर औकात में बेशतर लोग जो पहली दोनों किस्में हैं उन्हीं को देख रहे होते हैं। दिन भर जो कुछ हमारे साथ हमारी जिंदगी में चल रहा होता है और बहुत ज्यादा हम जिसको सोच रहे होते हैं, काम में भी आता है, या शैतान की तरफ से बहुत सारी चीजें होती हैं। इसलिए अपने आप को बहुत ज्यादा परेशान मत करें। आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप ख्वाब की ताबीर को जाने। आप अगर कोई डरावनी चीज देख रहे हैं, आपकी नींद खुल जाए, आप दुआ पढ़िए और करवट बदल करके सो जाइए, और कोशिश कीजिए कि सोने से पहले जो सोने की दुआएं हैं, जिक्र अजकार हैं, वो पढ़ करके आप सोइए। इंशाल्लाह इन तमाम चीजों से आप महफूज रहेंगे। और उसके बाद भी अगर कहीं ऐसी कोई चीज, मुझे ऐसा कोई ख्वाब आ दूसरा जाता है, तो अपने आप को परेशान करने की जरूरत नहीं है।